तो फाइनल गाइस मैं वहां पे आ चुका हूँ, जो मैंने आपको पहले बोला था कि ऐसे दो टेंपल है जो टकराने से दुनिया नष्ट हो जाएगी। गाइस पहला ये टेंपल है और दूसरा ये टेंपल है। तो गाइस ये वही गुफा है जो मैं बात कर रहा था कि 1500 साल पुरानी पहली गुफा है। गाइस इसकी स्टोरी क्या है गाइस कि ये एक आदमी थे। गुफा है क्या बनी स्टोरी था आपने बनी अलोपिया मतलब बनी माइसरा उनका कहना है कि ऐसे दो छोटे टेम्पल है, अगर वो दोनों ज्वाइन हो गए तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। गैस ये ऐसा उनका कहना है। तो गैस आज चलते हैं और देखते हैं कि ये इस बात में कितना सच्चाई है और कितना झूठ है। और गैस मैंने ये जो ये यहाँ का व्यू देखा है, अभी हम रस्ते में है और यहाँ का जो व्यू है गैस बहुत ही अच्छा है। एक बार उनको व्यू बता, तो इसका व्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं और देखते हैं इस बात को कि इस बात में कितना सच्चाई है। अपनी बाइक वहां पे और भाई अपना साथ में है तो चलते फटाफट। हम पहुंच चुके काजलवास के टेंपल में जो मेरे सामने है। आपको यहाँ पे बंदर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बकरिया भी है। तो एक बार टेंपल दिखा दे पीछे, वो सामने टेंपल है और यहाँ पे गाइस अभी लोग कम है पर पहले बहुत ज्यादा आते थे, इसलिए यहाँ पे आपको बंदर देखने को मिल जाएंगे। पहले अंदर चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं। तो अब गाइस चलते हैं अंदर। फाइनल गाइस मैं वहां पे आ चुका हूँ, जो मैंने आपको पहले बोला था कि ऐसे दो टेंपल है जो टकराने से दुनिया नष्ट हो जाएगी। गाइस पहला ये टेंपल है और दूसरा ये टेंपल है। गाइस इनके बीच में जो दूरी है ना गाइस वो इतनी सी है। गाइस आप समझ नहीं सकते, ये टेंपल पहले बहुत दूर हुआ करता था, गाइस धीमे धीमे ये इतना पास आ और गाइस अब बस इतनी सी दूरी है। गाइस ये एक्चुअली बात क्या है कि गाइस दो ऐसे आदमी थे जो जिंदा इन्होंने जमीन के अंदर समाधि ले ली। गाइस समाधि का मीनिंग अगर आपको नहीं पता आप गूगल कर सकते हो, मीन्स जिंदा आदमी जमीन के अंदर सो गए। गाइस एक ये मंदिर है और एक ये मंदिर है और गाइस ऐसे दो आदमी नहीं है, एक ये भी है ये भी है। गाइस ऐसे आप और सारे भी मंदिर देखने को मिल जाएगा इस साइड। गाइस ये एक ऐसा एरिया है बस इतना कि जो जिंदा लोग थे वो गए समाधि ले ली भगवान की वजह से। गाइस यहाँ पे ऐसे बस दो मंदिर नहीं है, एक वहाँ पे भी है और एक अंदर भी है। गाइस सबसे मेन मंदिर जो यहाँ का पहचाना जाता है वो ये मंदिर है। ये गाइस सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का और गाइस जो ये आसपास में आप देख रहे हो गाइस ये इनके चेले थे जो जिंदा जमीन के अंदर सो गए। गाइस आप ये कंडीशन को एक बार यानी आप दिल से समझो कि कैसे सोए होगे, क्या हुआ होगा, पास के लोग उनको देख रहे होगे, वो एकदम ध्यान से समझो उसको, सुनो बरोबर से, ठीक है। कौन जाता था जो पहले के यहाँ पे भगवान जिन्होंने यहाँ पे समाधि ली ना गाइस वो भगवान यहाँ से बाहर जाते थे, ये इनका एक गुप्त रास्ता था ऐसा बोला जाता है। गाइस अभी हम वहाँ पे चले गए और मैं आपको बताऊंगा कि वो गुफा कितनी खतरनाक है, वो कितनी दूर है, कितनी अगर गाइस वो गुफा में जाने के लायक होगा गाइस मैं तो आपको वहीं पे लेके चलूंगा। गाइस ये गुफा ज्यादा दूर नहीं है, पास में है और गाइस यहाँ से जस्ट इसके पास में गाइस एक कुंड है पानी का भरा हुआ बहुत, जबकि बहुत गहरा है वहाँ पे यानी मछलियां भी है। गाइस यहाँ पे भी चले गए, वहाँ पे भी चले गए, दोनों साइड चले गए, बस वीडियो में बने रहना। और गाइस चलते हैं फटाफट बिना टाइम पास किए हुए। तो गाइस जो आपको ये मंदिर दिख रहा है गाइस ये सूर्य भगवान का मंदिर है। गाइस ये मंदिर फिलहाल अभी बना है, गाइस जब मैं पहली बार आया था ये मंदिर नहीं था। और गाइस देखो इनकी वॉइस सुनो, गाइस ये वॉइस बहुत ही अच्छी लगती है, ये तो आप फोन में सुन रहे हो, अगर आप रियल में सुनोगे इससे भी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो चलते आगे और यहाँ पे गिरने का चांस है और गाइस यहाँ पे वीडियो शूट करना नॉट अलाउड है, तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब ऊपर चलते और बहुत ज्यादा ऊपर है वहां पे। तो फाइनली गाइस अब आ चुके हैं, जो आपको वो दिख रहा है वहां पे गुफा है। और गाइस अभी हम यहाँ पे बैठे के थोड़ी देर 5 मिनट यानी हम बहुत थक चुके हैं। और गाइस जो आप ये पेड़ दिख रहे हो ये पेड़ भी बहुत बड़ा है, ये मुझे नहीं पता कि ये नहीं कब का है, शायद ये भी पहले का हो या अभी का हो, मुझे कुछ नहीं पता। और वो यहाँ पे भाई लोग सो रहे, कुछ दादा वगैरह है इधर, तो थोड़ी देर बैठते और चलते वहां पे।
जो गुफा है के बनी स्टोरी था आपने किकन का बनियो रुड बाजी अलोप भी अम्मा गुफा अलोप भी है अलोप माय मतलब बनी माय से गीपर हां माय ने तो अब चलते उस साइड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ज्यादा बारिश होती है तब यहाँ से पानी जाता है वहाँ पे, फिर ये नीचे जाता है। अभी हम जहाँ पे है ना वो पहाड़ पे है हम, और ये मिंद्री भी पहाड़ पे ही है। तो ये गुफा इस साइड है, इसको पहले चंपल यहीं पे खोलना पड़ेगी। हरीश अपने स्लीपर यहीं पे उतारना, स्लाइडर, ठीक है। तो अभी चलते अंदर, और यहाँ पे भी एक समाधि है, मीन्स जिंदा इंसान सो गए थे। आपको अंदर से मैं बताऊँ तो, ठीक है। तो अब चलते अंदर, इसी साइड गुफा है जो मैं आपको बोल रहा था। हरीश जल्दी आ, अंदर आ। देखो सामने पता नहीं कौन बैठा है मुझे, शायद ओ कहाँ है इस, इसमें ना है कहाँ पे गुफा, गुफा वही वो गुफा है। और ये नहीं है, ये गुफा है। मुझे डर लग रहा है सच में, डर लग रहा है। ये गुफा है। तो गाइस यही वो गुफा है जो मैं आपको बात कर रहा था। हमको लगा ये गुफा बड़ी होगी पर ये बहुत छोटी है। मैं गाइस क्या करता हूँ, बाहर जाके फ्लैशलाइट ऑन करके आता हूँ। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, आपको व्लॉग में तो उजाले दिखेगा ये कैमरे की वजह से, पर यहाँ पे अंधेरा है। और बारिश वापस से स्टार्ट हो गई, देखो इतनी जल्दी बारिश आ गई। तो अब गाइस मैंने फ्लैश ऑन कर दिए, और ये भाई इस गुफा में देख रहा है, देखते हैं इस गुफा में क्या है अंदर। तो ये गुफा कहाँ तक जा रही है मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसके अंदर देखते। और ये गाइस गुफा में मैं नहीं देख रहा, ये अंदर में फोन यानी हाथ को आगे बढ़ा के फोन अंदर डाल रहा हूँ, तब जाके दिख रहा है। और ये छोटे से भगवान है, यहाँ पे आप पैसे वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन हम खुद गरीब है तो हमारे पास कहाँ पे पैसे हो गए। ये गुफा वापस देख लो, ये शायद इस साइड से जा रही है या उस कॉर्नर से जा रही है। उस कॉर्नर में एक रास्ता है, इस साइड देखो, इस साइड एक रास्ता, इस साइड एक रास्ता जा रहा है देखो। और ये गाइस गुफा एक वापिस पहाड़ के नीचे जा रही है। तो अब गाइस थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं देख के अच्छा लग रहा है, पहले डर लग रहा था। ये जब मैंने फ्लैश की तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये गुफा ज्यादा दूर नहीं है, इस अंदर ही है। तो बस ये वही गुफा है जो मैं बात कर रहा था कि हजार ये 500 साल पुरानी पहली गुफा है। गाइस इसकी स्टोरी क्या है गाइस, कि ये एक आदमी थे, एक भगवान थे जो इसके अंदर चले गए और इन्होंने अंदर ही समाधि ले ली, वापिस से कभी बाहर आए नहीं। अभी मैंने वहां से पूछा भी था इसलिए मुझे पता चला। और गाइस मैंने आपको अगर वो दो टेम्पल की बात करें तो गाइस वो दो टेम्पल में भी वो स्टोरी जो मैंने आपको पहले बताई कि दो आदमी थे, दो भगवान थे जो जिंदा जमीन में सो गए और जिंदा सो गए। जिंदा, आप एक बार थिंकिंग करो कि जिंदा इंसान कैसे सो सकता है, उसको सांस लिया बिना खाए पिए भूखे पेट उनकी मृत्यु हो गई और वो आज भगवान बन गया। और बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं उनको पूजने के लिए, पर बारिश की वजह से गाइस आपको ज्यादा लोग देखने को नहीं मिल रहे, इसलिए ये हमारा बेनिफिट है कि हम आराम से ब्लॉग बना पा रहे, नहीं तो गाइस बहुत ज्यादा भीड़ होती और मैं बोल भी नहीं पाता। तो ये वो गुफा है, मैंने आपको अभी बता दी, और एक बार मैं वापस आपको गुफा बताता हूँ, उसके बाद में कैसे हम जाएंगे यहाँ पे कुंड है पानी का वहां पे, और अगर आपको अच्छे से व्यू और सिनेमेटिक्स और बताता हूँ। तो ब्लॉग के एंड तक बनना और चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करना। तो मैं आपको वापस एक बार ये गुफा बताता हूँ, ध्यान से देखना। मुझे ये भाई बोल रहा है कि वहां पे रास्ता जा रहा है, बहुत गहरा रास्ता है, ऐसा भैया भाई बोल रहा है। गाइस मुझे तो डर लग रहा है कि मैं जैसे फोन हाथ अंदर डालता हूँ ना, कोई हाथ खींच ना ले, वैसा डर लग रहा है। तो अब बाहर आ चुके हैं, अब ठंडी हवा आ रही है, अंदर तो पूरी गर्मी थी, और बाहर का व्यू आते फोन बहुत शानदार है, बहुत शानदार। ये भगवान एक और है, और यहाँ पे ये दो लोग रहते हैं जो यहाँ पे इनकी सेवा करते है भगवान की। ये रहे दोनों, वो रहे भाई के आगे, और ये बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा। हरीश एक दो फोटो शूट करते और यहाँ से वहां पे चलते कुंड के साइड, वहाँ पे देखेंगे कैसा क्या देखने के लायक है। गाइस अभी एक और बात पता चल रही है कि यहाँ पे जो भी लेडीज आती है, जो भी गर्ल्स आती है, वो यहाँ पे गाइस ऐसे घर बनाती है छोटे छोटे। गाइस ये बहुत सारे, इधर देखो कितने सारे है, और वहाँ पे भी है, और वहाँ पे भी कितने सारे, यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और देखो ये देखो ऐसे घर बनाते हैं, ऐसे ये सारा आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी। एक बार आप यहाँ पे आओ, विजिट करो, मैं आपकी ये लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बहुत अच्छी लोकेशन ये, बहुत आपका मन शांत हो जाएगा। तो अब चलते हैं वहाँ पे कुंड के साइड। गाइस यहाँ पे ये बंदर बैठे, इसलिए मुझे डर लग रहा है वहाँ पे जाने का। लोग पीछे से धक्का दे, मैंने रील्स वगैरह देखता रहता तो मुझे देखो ये एक और आया।
अरे चल साथ चल, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, देखना पीछे ठीक है। यहाँ पे पहले स्लीपर बार खोलने पड़ेंगे, उतारने पड़ेंगे, उसके बाद में अंदर डर लग रहा है। तो ये रही मछलियाँ दिख रही है मुझे, शायद तक वीडियो में नहीं दिखेगी पर मुझे दिख रही है बहुत सारी छोटी छोटी। देखो भाग रही है साइड से साइड। गाइस इसका मुझे कोई भी इतिहास नहीं पता है, पर इतना पता है कि ये बारिश के टाइम यहाँ तक आ जाता है, और जब बारिश चली जाती है या कुछ गर्मियों में ये बहुत नीचे चला जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत गहरा है। तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ ये यहाँ तक नहीं, ये जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये इतनी सी नहीं, ये बहुत गहरी सीढ़ी है नीचे तक, और ये वहाँ तक सीढ़ियाँ जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वॉल जो वो वहाँ तक सीढ़ियाँ ये, और वो वहाँ वहाँ तक पानी रहता है ठीक है। तो ये बहुत नीचे गहरा चला जाता है बारिश के जाने के बाद, अभी बारिश है इसलिए ये ऊपर आ गया है ऐसा है। तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं, व्लॉग को एंड करना पड़ेगा कि कोई दूसरी चीज़ हो तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये थी इस कुंड की स्टोरी और इस काजलवास की स्टोरी। अब चलते हैं कहीं दूसरी जगह और देखते हैं, कुछ हो तो मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ या कुछ बताता हूँ, तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करना पड़ेगा। तो हरीश एक बार साइड में चलते हैं, आ जा यहाँ पे गाइस, देखो हनुमान जी बैठे और हनुमान जी के आस पास में देखो, और ये रियल हनुमान जी है, बेचारे धूप में नहीं, धूप बारिश में ऊपर बैठते हैं कोई कोई, और कोई कोई नीचे बैठते हैं आराम से छिया में। तो गैस अभी मैं आ चुका एक छोटी सी नदी में। तो गैस ये एक्चुअली पानी पूरे पहाड़ से आता है और यहाँ से होके होके धीमे धीमे यहाँ से चले जाता है। गैस यहाँ पे अभी मैं गिरते गिरते बच गया इस सिनेमेटिक शॉट की वजह से, पर कोई नहीं। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।